Hi guys, Namaste. I hope you are doing good. So for today's video, I'll tell you how you can cut your hair at home. So मैंने इसमें five to six uh, steps cut किए हैं. यानि काफी सारे simple hair cut हैं. Earlier also I did a hair cut. वो उसमें मैंने तीन steps किए थे, but इस बार मैंने काफी सारे steps किए हैं. And this is for the second time I'm cutting my hair. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी यानी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है सो लेट्स बिगिन सो इसके लिए आपका बाल बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेट होने चाहिए बिकॉज स्ट्रेट बालों में कटिंग करना काफ़ी सिंपल हो जाता है अगर आप चाहो तो अपने बालों को वेट करके भी कट कर सकते हो uh, जैसे मैंने लास्ट टाइम जब हेयर कट किया था तब मैंने अपने बालों को वेट रखा था बट दिस टाइम आई हैव स्ट्रेटन डैम ऑल्दो इतना लग नहीं रहा सो फर्स्ट स्टेप आपको अपने बालों को मिडिल पार्टीशन करके नीचे के जो एक्स्ट्रा हेयर हैं जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं उनको कट कर लेना है ये स्टेप आप चाहो तो लास्ट में भी कर सकते हो बट मैंने पहले एक बार आ, कि मुझे आइडिया लग जाए कि लेंथ कितनी रखनी है इसलिए मैंने कट कर दिया फिर एक सेक्शन बालों का लेके कर जहाँ से मैंने हेयर कट कर दिया उसको मर्ज करना है दूसरी तरफ और फिर हेयर कट करना है उससे क्या होगा हमें गाइड मिल जाएगा कि, कि कितना हमें अपना लेंथ रखना है और दोनों तरफ का लेंथ जो है वो सेम रहेगा एंड दिस इज़ नोन एज स्ट्रेट कटिंग स्ट्रेट कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड लगते हैं ऐसे मतलब एकदम स्ट्रेट सा कट नहीं लगता है एंड फिर उसके बाद से क्या करना है आपको अपने बालों को फ्रंट सेक्शन अलग कर लेना है एंड जो पीछे के बाल हैं उनको टाई कर लेना है किसी रब बैंड या किसी क्लिप से टाई कर लेना है ताकि वो बीच में ना आए एंड फिर मिडल पार्टीशन करके आपको आगे से एक ट्राइंगर सेक्शन निकालना है बालों का एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसमें आप बहुत सारा टाइम ले लो पर आराम से करो एक अच्छा सा ट्राइंगल सेक्शन आगे का हो बहुत ज़्यादा बाल नहीं चाहिए इसमें ये बस एक गाइड है जो कि आपके पूरे हेयर कट में हेल्प करने वाला है इसी से आपके बालों की लेंथ बेसिकली डिसाइड होगी कि आप कितने लंबे बाल रखना चाहते हो सो so, बालों को ऐसे स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करके आप एक बार लेंथ डिसाइड कर लो एंड अगर आपको लेंथ समझ नहीं आ रहा कि कट करने के बाद कितना होगा तो पहले बार में आप बहुत थोड़ा सा बाल ही कट करो उससे होगा क्या कि आपको लेंथ का एक बार आइडिया हो जाएगा कि कितना आपको अपने बालों का लेंथ रखना है एंड जिस हिसाब से आप अपना जैसे अगर लेंथ सेम रखना चाह रहे हो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करना चाह रहे तो आपको फर्स्ट लेयर बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करनी है अगर आप इसे अपने चिन तक रख दोगे तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी लेयर्स भी होंगे उसी से कुछ कुछ इंचज़ ज़्यादा तो उसे होगा क्या कि आपका पूरा जो लेंथ है बालों का वो कम हो जाएगा जैसे मुझे लेंथ बहुत छोटी नहीं करनी है तो ये पहला सेक्शन में बहुत सारा नहीं कट करूँगी थोड़ा बहुत ही कट कर रही हूँ इसको जब मैंने लास्ट टाइम हेयर कट किया था उसमें मैंने यही गलती करी कि पहला लेयर ही बहुत ज़्यादा कट कर दिया था एंड जिससे कि मैं सिर्फ दो ही लेयर और फर्दर कट कर पाई गलती ना हो इसलिए आप ये पहला जब भी लेयर कट करो तो उसको आराम से कट करना है बहुत सारा नहीं एंड एक बार कट करके आपको स्ट्रेट कटिंग करनी है एंड फिर आप इसको अपने दोनों तरफ फेस के करके एक बार सेट करके चेक कर लो एंड ये मैंने पीछे के सारे बाल मर्ज कर लिए एक बार एंड मर्ज करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू कट द सेकेंड सेक्शन एंड फॉर दैट आपको करना क्या है अपने ईयर से थोड़ा आगे वाला जो सेक्शन होता है वो निकालना है एंड दोनों तरफ एक बार मैच कर लेना है कि आपने बाल सेम लिए हैं एंड फिर जो आपने पहला लेयर कट किया था उसे कुछ इंचज बिलो यू हैव टू कट तो मतलब बहुत पास में नहीं करना उसको थोड़ा सा दूर करके इन बालों को एकदम स्ट्रेच करके सीधा पकड़ना है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बाल कट गए एंड होता क्या है जब आप बालों को स्ट्रेट कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे से आपका हेयर कट विजिबल होता है आप साथ, साथ में चेक कर सकते हो कि हेयर का लेंथ कैसा रहेगा कटने के बाद बाल कैसे लगेंगे आपको पूरा पूरा आइडिया हो जाता है एंड अगर बाल वेट हैं तो वो फिर स्टाइलिंग के बाद पूरा समझ में आता है एंड दोनों तरफ मैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप चाहोगे कि हेयर कट इवन रहे तो इसीलिए आप मैच कर लो एंड जब आप दूसरी साइड कट करो ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा हेयर कट कर लो और फिर उसके बाद से उसको स्ट्रेट कटिंग करते टाइम मैच कर लो दोनों साइड को सो so, एक बार जब स्ट्रेट कटिंग हो जाए देन विल मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन के लिए करना क्या है एक बार आप फिर से मिडिल पार्टीशन का ध्यान रखो कि वो अच्छे से हो रखा हो पीछे आगे सब तरफ से एंड फिर आपने करना क्या है थर्ड सेक्शन लेना है एक तरफ मैंने बाल टाई कर लिए हैं एंड थर्ड सेक्शन जो मैं लूँगी वो ईयर के आसपास वाला एरिया होगा मतलब ईयर के थोड़ा सा आगे वाला जो पोर्शन है वो वाला सेक्शन में लेने वाली हूँ एंड ये थर्ड लेयर uh, अब हम कट करेंगे सो so, इसको आपको जो आपने सेकेंड लेयर कट किया है ना उससे कुछ इंचेस बिलो रखना है सो so, ताकि लेयर जब वो कट जाए तो वो दिखाई दे बिल्कुल साथ में नहीं रखना है वरना वो उसकी जितनी ही लेंथ हो जाएगी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है अब एक बार कट हो जाए फिर हमें स्ट्रेट कटिंग करके उसको सेट कर लेना है एंड आप जब एक साइड का है कट करो जब लेंथ तो उसको अच्छे से कट कर लो उसकी लेंथ एक बार देख लो कितनी रखनी है कितनी नहीं बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग ही हम दूसरे सेक्शन को भी कट करेंगे दूसरा सेक्शन मतलब ये लेफ्ट साइड मैंने कट किया है तो राइट साइड भी हम उसी के अकॉर्डिंग कट करेंगे अब पीछे के बालों को मैंने टाई कर दिया ताकि वो आगे ना आए और अब ये दूसरी तरफ भी मैंने सेम अपने ईयर के आगे वाला जो हेयर का सेक्शन है वो लेना है एंड वो लेके दोनों को एक बार मैच कर लेना है कि क्वांटिटी है कि सेम रहनी चाहिए और जितने बाल मैंने पीछे टाई किए हैं वो भी सेम होने चाहिए एंड फिर करना क्या है हमें जिस सेक्शन को हमने कट कर लिया लेफ्ट साइड का उसका थोड़ा सा बाल लेके हमें दोनों को एक साथ मर्ज कर लेना है उससे हमें लेंथ का आइडिया हो जाएगा कट करते टाइम बालों को एकदम स्ट्रेट रख के कट करना है बालों में बिल्कुल भी टेंगल्स नहीं होने चाहिए बिकॉज अगर आपके बालों में टैंगल्स हैं तो लेंथ बराबर नहीं आएगी जैसा आप देख रहे हो राइट right साइड थोड़ा सा बड़ा है बट जब हम स्ट्रेट कट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बाल जाएगा ही जाएगा प्लस आप स्ट्रेट कटिंग करते टाइम उसको एडजस्ट भी कर सकते हो तो स्ट्रेट कटिंग करके ये हमारा थर्ड लेयर इज़ रेडी बस अब थोड़ा सा जो नीचे का हमें एक बार स्ट्रेट कटिंग करना है तो दोनों बालों को दोनों सेक्शन को मर्ज करके भी स्ट्रेट कट हो पा रहा है इसमें क्योंकि लेंथ थोड़ी सी बड़ी है तो इसको मैं अपने फेस के आगे स्ट्रेच करके कट कर पा रही हूँ एंड एक बार मैंने लेंथ मैच कर ली कि हाँ इतनी ही है फिर मैंने साथ में करके स्ट्रेट कटिंग कर लिया स्ट्रेट कटिंग इंपॉर्टेंट है इसको मिस नहीं करना है एंड नाक्स टाइम फॉर फोर्थ लेयर सो ये हमारे कान के जो पीछे वाला सेक्शन uh, है वो होगा बेसिकली एंड हमें जो बचे हुए बाल हैं उनको पीछे करके टाई कर लेना है या उनको साइड में रख लेना है सो so, अभी बालों को आ, मैंने एक बार टाई कर लिया बिकॉज वो बीच में आ रहे थे सो so, अभी हमारा फोर्थ जो सेक्शन है फोर्थ सेक्शन में हमने दोनों तरफ के बालों को मैच कर लेना है कि आ, सेम मतलब बाल आए हैं बाल कहीं कम ज़्यादा ना हो और फिर एक बार आपने बालों को मैच कर लिया कि हाँ उनकी क्वान्टिटी बिल्कुल सेम है एंड इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी तो जो मैंने पीछे बाल करे थे उनको भी मैच करके देख लिया कि पीछे के भी बाल सेम है एंड फिर अच्छे से उसको कोम कर लेना वैसे स्ट्रेट करने के बाद बालों को ज़्यादा कोम करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है एंड फोर्थ लेयर ही मैंने कट कर दिया है जो लेयर था उससे कुछ इंचेस बिलो है ये इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आप उसको मर्ज करके बहुत ज्यादा मतलब कट नहीं करना है बहुत दूर भी नहीं रखना है बहुत पास में नहीं रखना है बहुत पास रख दोगे तो थर्ड लेयर के साथ मिक्स हो जाएगा बहुत दूर रख दोगे तो वो लेयर्स बहुत अच्छे से एक दूसरे से यू नो you know, फॉल uh, नहीं करेंगे अच्छे से एक प्लेस पे तो अच्छा नहीं लगेगा वो एंड फिर हमें दोनों तरफ मैच करके उसको कट करना है अगेन मैं बाबा बता रही हूँ कि दूसरी तरफ जब आप कट करो तो उसे एक्स्ट्रा कट कर दो चलेगा बट छोटा नहीं करना है फिर आप दूसरी तरफ भी छोटा करोगे छोटा करते करते बाल बहुत छोटे हो जाएंगे एंड फिर स्ट्रेट कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो वो मैंने कर दिया है आप चाहो तो दोनों सेक्शंस को एक साथ मर्ज करके भी स्ट्रेट कट कर सकते हो बिकॉज़ ये लेंथ काफ़ी लंबी है तो इनको स्ट्रेट कट करना बहुत इजी हो जाता है मर्ज करके तो ऐसे भी हम कर सकते हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फिफ्थ लेयर सो अब फिफ्थ लेयर हमें कट करना है इसके लिए करना क्या है कि जो आखिरी वाला सेक्शन है बेसिकली ये इसके बाद हमारा फाइनल एंड सिक्स सेक्शन होगा सो so, इसमें बाल बहुत ध्यान से करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल बचेंगे नहीं तो जितने भी बाल हों तो दोनों तरफ सेम हो पहली बात तो ये ध्यान रखना है तो आप उसको अच्छे से बालों को डिवाइड कर लो बिकॉज पीछे से ना ऐसे वो हो नहीं पाता है अच्छे से डिवाइड तो आप एक बार टाइम ले लो इसमें अच्छे से डिवाइड कर लो एंड फिर बचे हुए बालों को आप टाई कर लो या पीछे भी रख सकते हो उनको आप नॉर्मली भी एक तरफ टाई कर देंगे तो मिक्स नहीं होगा दोनों तरफ एंड फिर पीछे के बालों को भी हमें एक बार मैच कर लेना है कि वो बिल्कुल सेम है एंड फिर ये हमारा लास्ट सेक्शन नहीं है सेकेंड लास्ट सेक्शन है इसको भी हमें कुछ इंचज़ नीचे रख के काटना है तो तक आपको आइडिया लग गया होगा कि कट कैसे करना है आपने जब एक लेयर कट कर लेनी है तो नेक्स्ट लेयर उससे कुछ इंचेस बिलो होगी बस इस चीज का ध्यान रखना है एंड उसके बाद से हमें स्ट्रेट कट कर लेना है स्ट्रेट कट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं बार बार बता रही हूँ अगर आप खुद जब हेयर कर कट करोगे तो आप देखोगे स्ट्रेट कट से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बाल एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं एंड मैं जब भी बाल कटवाती हूँ तो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि वो स्ट्रेट कट करते ही करते हैं सो आप भी इसको करोगे तो आपको खुद फील होगा एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट एंड फाइनल सेक्शन इसको हमने पहले ही कट कर लिया था एकदम बिगिनिंग ऑफ द हेयर कट बट आप चाहो तो लास्ट में भी इसको कट कर सकते हो मुझको लगा कि थोड़ी सी और लाइन छोटी कर लेनी चाहिए तो इसलिए मैंने इसको फिर से कट कर लिया है एंड फिर स्ट्रेट कट कर लिया है तो आप चाहो तो जो हमने एकदम बिगनिंग में पहला स्टेप करा था ना हेयर कट का उसको स्किप करके उसको लास्ट के लिए भी रख सकते हो एंड इससे होगा क्या कि आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी बालों में आपके लेयर्स भी हो जाएंगे एंड सारे के सारे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी लग रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो हेयर कट एंड कैमरा में आई डोंट नो इतना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बट इन रियल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था फिर मैंने सारे बालों को आगे करके एक बार अच्छे से कोम करके बालों के एंड में जो थोड़े से ऐसे पूछ जैसे बाल लग रहे हैं ना उनको भी कट कर लिया है उसको भी अगेन स्ट्रेट कट किया है बहुत ज़्यादा इससे बाल निकलते नहीं है एंड बालों के स्प्लिटिंग्स काफ़ी अच्छे से हट जाते हैं एंड फिर एक बार आपने इसे कर लिया है फिर बालों को दोबारा से हमें मिडिल पार्टीशन करना है मिडिल पार्टीशन करके एक बार फिर से देख लेना है कि यहाँ वहाँ कहीं पे कोई बाल रह ना जाए गलती से भी कोई छूटे ना और फिर उसको एक बार फिर से कट कर लेना है एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड तो आपका हेयर कट हो चुका है एंड मैं अब एक बार बालों को सेट करके आपको पूरा फाइनल लुक शेयर करती हूँ ओके सो दिस इज द फाइनल लुक आई हैव ऑलरेडी स्ट्रेटन माई हेयर मैंने इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट कर लिया था ताकि वेवीनेस चली जाए एंड एंड्स में मैंने उनको फिर से सेट कर लिया ताकि अच्छे से जो लेयर्स हमने कट करी हैं वो विजिबल हों सो एक साइड का तो बहुत ही अच्छे सेट हो गया दूसरी तरफ का गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए अच्छे से इतना टिक नहीं पा रहा था बट वहाँ से मैंने सेट कर लिया है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक आई जस्ट लव 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 दिस हेयर कट एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हेयर कट करने के बाद से बिकॉज बाल बहुत ज़्यादा फ्रेश हेल्दी सा लग रहे थे एंड सारे स्प्लिटन्स आ चुके थे एंड बेस्ट थिंग अबाउट कटिंग योर ओन है इज दैट यू कैन जस्ट टेक योर टाइम एंड जितने स्प्लेटन्स हैं जो भी आपको लग रहा है आपको लेंथ कितनी रखनी है कितनी नहीं आप वो सब कुछ खुद से डिसाइड कर सकते हो एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट बात है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है दिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि नहीं मैं तो नहीं कट कर पाऊँगी हो सकता बाल खराब हो जाए बट मेरी मम्मी हमेशा कहती है तो घर की खेती है तो डरना नहीं चाहिए इसे कट करने से फिर से ग्रो हो जाएगा सो नॉट अ प्रॉब्लम यू कैन ऑफकोर्स गिव इट अ ट्राई एंड ट्राई कटिंग योर है एट होम एंड इफ यू डू सो देन डोंट फरगेट टू शेयर योर पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट आई मेन्शन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू सुपर सून बै